इसके तार दिल्ली समेत अन्य राज्यों में फैले हैं। कानपुर में एक युवक को नौकरी का झांसा देकर पहले बंधक बनाया, फिर कमरे में बंधक बनाकर उसके हाथ पैर के पंजों को तोड़ दिया, आंखों में केमिकल डालकर अंधा बनाकर शरीर को गर्म रॉड से दागा गया। इसके बाद उसे दिल्ली के भिखारी गैंग के हाथों 70,000 में बेच दिया। शुक्रवार रात एक राहगीर की मदद से पीड़ित घर पहुंचा तो चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कराई। नौबस्ता थाना क्षेत्र के स्थित यशोदा नगर कच्ची बस्ती नाला रोड निवासी सुरेश मांझी मजदूरी करता था। सुरेश मांझी को 6 महीने पहले विजय नाम का शख्स नौकरी दिलाने के बहाने से ले गया था, जहां नौबस्ता मछरिया गुलाबी बिल्डिंग स्थित घर पर बंधक बना लिया। 12 दिनों तक कैद में रखने के दौरान यातनाएं दी। विजय ने इसके बाद अपने घर से हटाकर झकरीकटी पुल के नीचे किसी के रहने वाले डेरे में बंधक बना रखा। रात्रि में थाना नौबस्ता पर एक कच्ची बस्ती के निवासी सुरेश मांझी द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको विजय नामक कानपुर की एक व्यक्ति ने मजदूरी के लिए बुलाया था, फिर उनको बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट वगैरह की। तत्पश्चात कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उनको बिठाया और उनका ये आरोप है कि उस विजय नामक व्यक्ति ने 70,000 रुपये में उनको किसी को दिल्ली में बेचा था। दिल्ली के व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर दिया है। इस व्यक्ति के साथ वो 5-6 महीना रहे हैं, वहाँ उसे भीख मांगने का कार्य कराया गया। रोजाना की तरह मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, डोर टू डोर जैसे जाते रहते हैं हम लोग, तो एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश मांझी था वो मेरे पास आता है। उसने मुझे बताया कि उसके भाई के साथ किसी ने मारपीट कर दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसको उसके बताए अनुसार उसके भाई से भीख मंगवाई जाती थी। तो मुझे प्रथम दृष्टया तो विश्वास नहीं हुआ, तो मैं उसके घर जाकर स्वयं देखने गया। तो मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ, जो उसका भाई था सुरेश मांझी, दोनों हाथ तोड़े हुए हैं, पैर तोड़ दिए गए थे और आंखों में कोई केमिकल या फेविकोल डालकर ख़राब कर दिए, जिसके कारण वह अंधा हो गया था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया कि कोई विजय नामक शख्स जो कि मछरिया या अफीम कोठी के आसपास का रहने वाला है, जिसको जो मजदूरी करता था, दोनों साथ में मित्रता हुई थी, उसने उस व्यक्ति को 20,000 रुपये में बेचा। इसमें सर घटना ये हुआ है, जब बाजार से चौक से काम करता केदवाई नगर, ये गया था केदवाई नगर काम करने, किसी ने आया था इसको काम में ले जाने के लिए, काम में ले गया इसको। और ले जाने के बाद कहा कि कहा चलो मेरे घर में काम है, मान लीजिए लेबर हम भी जहाँ बुला लीजिए वहाँ जाएगा वो। उसके बाद ले गया और उधर कहीं पुल के नीचे कहीं थोड़ा खड्डा उड्डा था, और कहा जो चलो इधर से रास्ता है, उधर से ले गया कोई दवाई उसको हाथ में कैंपर मार दिया, उसके बाद ही पूरा वो हो गया। उसके बाद मुँह बंद कर इसको घर में लेकर चला गया, वहाँ चिल्लाया भी है कोई नहीं सुना है। जब इसके बाद आँख में इसको दवाई पड़ गया तो पता नहीं किस घर में रखा, तो ये इतना जरूर सुन रहा था आज जो वो मतलब हमको यहाँ पर रखा है लोग 3 दिन वहाँ रखा है लोग ऐसे आपको झगरकट्टी में 3 दिन 12 दिन मछरिया में रखा है। जब मछरिया से वो बेचा है वहाँ से जो बेचा है तो बेचा है 70,000 में। 12 देवी से कोई रहता है या 12 देवी अली खरीद के इसको दिल्ली ले गई है।